तो अभी मैं आ चुका हूँ भाई एक साइड बैटरी शॉप पे, या फिर गाड़ी का बैटरी जो खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा मेरा जो टाटा का बैटरी, ठीक है, टाटा का ग्रीन, इसे चेंज करवाएंगे। फिलहाल हम ये वाला बैटरी लगवा रहे हैं। तो भाई बैटरी तो चेंज कर लिए, लेकिन और आगे जाके बताता हूँ कितना जो इसका कॉस्ट पड़ा मुझे। तो अभी सेल्फ ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो अभी सेल्फ ऐसे ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ऑफलाइन परचेज करते हो किसी डीलर के पास से, तो वहाँ से आपको ऑन द स्पॉट रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा। भाई ये मुझे सबसे अच्छा लगा। सो है गाइस, क्या हाल चाल है सब लोग का? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और सुस्त होंगे। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ अपने बाइक में नया बैटरी लगवाने। तो कुछ दिनों से दिक्कत कर रहा था, और कल तो भाई इसने हाथ ही पर कर दिया, क्योंकि कल मैं निकलने वाला था एक जगह जाने के लिए। तो भाई मैं रेडी होके गाड़ी लेके निकला था, तो मैंने स्टार्ट दिया तो नहीं हुआ। पापा ने धकेला, मेरा कुछ भाई और बंधु भी भाई धकेला, तो नहीं हुआ। इसलिए अब सर्दियाँ भी आने वाले, तो गर्मी के टाइम पे दिक्कत कर रहा है। तो भाई थोड़ा बहुत गर्मी के टाइम पे दिक्कत झेल लेता था, अब सर्दी के टाइम पे तो डेली होने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई चलो भाई बैटरी को ही चेंज कर लेते हैं। बहुत लोगों ने मिलकर धक्का दे के गाड़ी को स्टार्ट किया, उसके बाद बहुत देर तक मैंने इसे स्टार्ट करके रखी थी, और जाते जाके देखते हैं कि कितना क्या होता है। और प्लानिंग में है कि मैं एक्साइट का बैटरी लगवाऊँगा। अभी सेल्फ ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो अभी सेल्फ ऐसे ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक दो बार धक्का देके तो इसे स्टार्ट कर लिया, और उसके बाद ही फिर ये स्टार्ट होगा। ये तो भाई इरिटेटिंग सा होगा ना, हर टाइम तो नहीं होगा ना, अपना पास बंदा नहीं रहेगा धकेलने के लिए। बैटरी के दुकान में ही जाके मिलते हैं, क्योंकि रास्ते में मैं कहीं पर भी गाड़ी को रोकूंगा नहीं। बार बार इसे अगर रोकता रहा ना तो ये स्टार्ट नहीं होगा। अभी जाएंगे सीधा दुकान में, और दुकान में जाके मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो अभी मैं आ चुका हूँ भाई एक साइड बैटरी शॉप पे, या फिर गाड़ी का बैटरी जो खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा जो टाटा का बैटरी, ठीक है, टाटा का ग्रीन, आप लोग देख सकते हो, और मॉडल नंबर वंबर कुछ इस टाइप का है इसका। तो इसे चेंज करवाएंगे और एक साइड लगवाएंगे। फिलहाल हम ये वाला बैटरी लगवा रहे हैं, तो बैटरी लगाना उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस आप गाड़ी खोल के लाओ, और ये लोग भी खोल देता है कभी। तो बैटरी लगाने के बाद आप लोगों को सब मिलता हूँ। तो भाई बैटरी तो चेंज कर लिए, लेकिन मैं घर से आया था भाई ऐसे खोल के, तो घर जाके ही फिर लगाना पड़ेगा। और आगे जाके बताता हूँ कितना जो इसका कॉस्ट पड़ा मुझे। जावा कम्युनिटी करके एक फेसबुक पर जो ग्रुप है, वहाँ पर मैंने एक पोस्ट किया था कि 42 के लिए या जावा के लिए कौन सा बैटरी लगवाना सही होगा, या कितना क्या कॉस्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ मैंने पोस्ट किया था। तो ज़्यादातर कमेंट मुझे यही मिला, वहाँ से आंसर मिला कि भाई आप लगा रहे हो तो एक साइड का ही लगवा लो, क्योंकि वो एक नंबर ही होता है। वहाँ पे बहुत लोग बता रहा था उसका जो प्राइस पड़ने वाला है, ठीक है, वो लगभग 1850, कोई बोल रहा था 1950, तो 2000 के अंदर अंदर में होने वाला था ये। उतना लोगों ने जो भाई आंसर दिया, इसलिए मैं एक साइड ही लगाया, क्योंकि वो लोग भी यूज़ कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अगर, और 4 साल का वारंटी भी मिल जाता है इसका। 2 साल का आपको पूरा बैटरी चेंज करके दिया जाएगा, अगर 2 साल के अंदर अंदर कुछ हुआ तो। 2 साल के बाद मानो के 25 महीने बाद, ठीक है, जो आपको अगर बैटरी का कुछ होता है तो वो रिप्लेसमेंट रहेगा। मतलब आपका जो पुराना जो बैटरी है, ठीक है, वो आपको थोड़ा बहुत पैसा देके एक नया बैटरी मिलेगा। मेरे पास था टाटा का बैटरी, ठीक है, ये मैंने उन्हें दे दिया, और 2100 से मुझे 300 का जो माइनस हुआ उस बैटरी के लिए। तो मैंने सोचा कि वो बैटरी वैसे भी कुछ काम के नहीं है, जावा कम्युनिटी के ग्रुप वाले भी बता रहा था 1850 या 1950 ऐसा कुछ पड़ेगा, तो उस बैटरी को देख ही पड़ रहा था, क्योंकि किसी ने भी नहीं बताया 2100 या ऐसा कुछ, 2000 के अंदर अंदर ही था, मुझे अभी पता चला, ठीक है, जो अंकल ने बताया। अगर भाई मैंने ऑनलाइन से कोई बैटरी अगर परचेस कर लेता, ठीक है, वहाँ से मुझे पुराना बैटरी देना नहीं पड़ता, लेकिन मुझे 1800-1900 में मिल जा रहा था, ठीक है, ये वाला बैटरी। और तो भाई सिंपल सा बात है, अब ये वाला बैटरी अगर आपको मिल जा रहा है और दुकान में जाके आप सुन रहे हो कि ये 2100 में मिल रहा है, तो अब ये ऑनलाइन से ही परचेस करोगे, क्योंकि भाई वहाँ से अगर एक बार डिलीवरी हो गए, ठीक है,
उसके बाद आप किसी डीलर को नहीं पहचानते, आप किसी दुकानदार को नहीं पहचानते, और भाई रिश्ता ख़त्म। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं नहीं जानता कि वो कब सॉल्व होगा या क्या होगा, लेकिन अगर आप ऑफलाइन परचेस करते हो किसी डीलर के पास से, तो वहाँ से आपको ऑन द स्पॉट रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा। भाई ये मुझे सबसे अच्छा लगा। और भाई अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए मुझे कमेंट कर सकते हो, या आप इंस्टा पे मुझे चैट कर सकते हो। कैसे जो बैटरी डाउन होता है मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया, कि उस टाइम मुझे वीडियो करने का कोई कीड़ा अंदर नहीं था, क्योंकि बैटरी ख़राब हुआ था और मुझे एक जगह जाना था, दिमाग में नहीं आया कि वीडियो बनाऊँ। तो अभी बैटरी भाई जो चेंज हुआ, मुझे लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए। गाड़ी एक बार स्टार्ट हो गया तो भाई मन खुश हो जाता है। और गाड़ी में अगर कुछ हो या शरीर में कुछ हो तो ऐसा ही लगता है कि भाई पूरा शरीर ही अपना जो ख़राब हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी ख़राब होके रखा है। गाड़ी में चलाऊँ या ना चलाऊँ भाई, गाड़ी रेडी करके भाई खड़ा रखूँ ना, तो मन का शांति मिलता है। सच बोलूँ मन में भाई जो सुकून मिलता है ना गाड़ी को खड़ा करने में घर में, भाई मुझे जब चाहे मैं निकल सकता हूँ और जब चाहे मैं उसे रख भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बकबक कर लिया भाई, एक लाइक कर देना अगर आप यहाँ पे सुनते हुए आए हो तो, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर ही देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।